बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वी आर डूइंग उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ यूनिट 6, द कायद्स, वीएन एंड पाकिस्तान। इन द लास्ट वीडियो वी ट्रांसलेटेड फर्स्ट हाफ ऑफ पैराग्राफ नंबर 2। नाउ इन दिस वीडियो आई विल ट्रांसलेट द सेकंड हाफ ऑफ पैराग्राफ नंबर 2, पार्ट 2। So let us start. We are a nation, हम एक कौम हैं। He affirmed उन्होंने तौसीक की। Three years before the birth of Pakistan, पाकिस्तान के क्याम से 3 साल कबल। अब यहां देखिए, ये कोटेशन स्टार्ट हो रही है, यहां से कोटेशन स्टार्ट हुई, फिर यहां पर कोटेशन क्लोज हो गई, फिर दोबारा यहां से दोबारा कोटेशन स्टार्ट हो रही है और यहां पर क्लोज हो रही है। तो इस तरह कोटेशन जब कोटेशन इंटरप्ट होती है, जनरली कोटेशन किस तरह लेते हैं, स्टार्ट में और एंड पर, तो इसको क्या कहते हैं हम, इंटरप्टेड कोटेशन। असल में सेंटेंस ये है, वी आर अ नेशन विद आर ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर। इस तरह विद आर ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड सिविलाइजेशन, विद आर ओन अपनी डिस्टिंक्टिव मुनफरिद नुमाया कल्चर सकाफत एंड सिविलाइजेशन और तहजीब, अपनी मुनफरिद या नुमाया सकाफत और तहजीब के साथ। ये पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, एक दफा बोर्ड में आ चुका है, आसान है, जस्ट आपने नाम ये याद करने हैं, उर्दू में नाम आने चाहिए। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जबान और अदब, लिटरेचर अदब, वो प्रोज पोइट्री ड्रामास प्लेज वगैरह, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फन और फने मेमारी, द आर्ट ऑफ बिल्डिंग, नेम्स एंड नोमेनक्लेचर, नाम और इल्मुल अस्मा, नोमेनक्लेचर नाम रखने के अंदाज या नाम रखने का जो इल्म होता है, सेंस एहसास वैल्यूज, इकदार कदरें, प्रोपोर्शन तनासब, कदरों और तनासब का एहसास, लीगल लॉस कानूनी कवानीन एंड मॉरल कोड्स, लीगल कानूनी लॉस कवानीन एंड मॉरल इखलाकी कोड्स, जाब्ते या जवाबत, कस्टम्स रवाज एंड कैलेंडर, तकवीम जदोल, कैलेंडर भी आप लिख सकते हैं, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस, तारीख और रवायात, एप्टीट्यूड रुझान एंड एम्बिशंस, ख्वाहिशात आरजुएं मकासद। इन शॉर्ट मुख्तसरन, वी हैव आर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑन लाइफ। इन शॉर्ट मुख्तसर, वी हैव, हम रखते हैं आर ओन, अपनी डिस्टिंक्टिव मुनफरिद आउटलुक, नुक्ता नजर, सोच ऑन लाइफ, जिंदगी के बारे में, मुख्तसरन हम जिंदगी के मुतालिक अपनी मुनफरिद सोच रखते हैं, अपना मुनफरिद नुक्ता नजर रखते हैं। अब आपने देखें इस पूरे पैराग्राफ को, आपने कैसे बामुहावरा तर्जमा आपने कैसे लिखना है, आप दो तरह से इसको लिख सकते हैं, ऐसे क्यामे पाकिस्तान से, इसको देखो यहां से, क्यामे पाकिस्तान से 3 साल कबल उन्होंने बड़े वसूक से फरमाया, ये फिक्रा, यानी ये इस हिस्से का तर्जमा कर लेना, ये वाला जो हिस्सा है ये पहले, फिर उसके बाद आपने यहां से स्टार्ट करना है, यहां से अपनी मुनफरिद सकाफत और तहजीब, और फिर ये तमाम लेकर आपने आखिर में यहां पर ये सारी चीजें लेकर के साथ हम एक कौम हैं,
या इसको एक और तरह से आप ले सकते हैं, यानी ये सेंटेंस आपने, ये सेंटेंस पहले लिखें, इस सेंटेंस को लिखें और उसके साथ फिर आप ये लिखें, हम एक कौम है जिसकी अपनी मुनफरिद सकाफत और तहजीब, और फिर ये सारी चीज़ें लिखकर और आखिर में हैं लगा दें, और उसके बाद ये जो आखिरी सेंटेंस है ये वाला, इसका तर्जमा इसके बाद लिखकर इन्वर्टेड कामाज आपने क्लोज कर देना। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ नंबर 2। ओके, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।